सी एम वाई और बी के। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कहीं सी में वाई और वाई में एम और ऐसा उल्टा सीधा नहीं कर दें। बिल्कुल तसल्ली से आप इसी लेवल से आप इसको रख दीजिए, पहले सी एम वाई और बी के। हम सबसे पहले सी को लेते हैं और सी को हम जो फर्स्ट वाला है इसी के अंदर हम डालेंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सी लिखा हुआ है 003। तो ये ज़रूर आप नोट कर लें 003 और सी। अब हमें इसमें इस इंक को यहाँ पर डालना है। अच्छा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से है, ये शायद ये इंक गिरेगी नहीं। मैं थोड़ा नीचे जाकर के टेस्ट करता हूँ। हाँ, ये नहीं गिर रही। अब हमें इसी मोड में यहाँ पर लाना है और सी देखना है। हमारे पास में ये सी है, फिर यहाँ पर ये सी आपको पीछे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आकर के आपको इसे यहाँ पे इसे रख देना है। और देखिए ये इंक इंस्टॉलेशन यहाँ पर होना शुरू हो गई है ऑटोमेटिकली। मैंने आराम से इसको यहाँ पे रख दिया है और अपने आप ये इंक इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। और जब फुल हो जाएगा तो ये रॉक भी देगा, ऐसा मैंने सुना है। अब मैं देख रहा हूँ अभी कि रुकता है या नहीं रुकता है। ज़रूरत से ज़्यादा इंक नहीं होना चाहिए, अगर नहीं रुके तो हम मैन्युअली हटा देंगे। फर्स्ट टाइम है, मुझे भी नहीं मालूम कैसा इसमें इंक का होगा। हाँ, इसकी बुट बुट की आवाज़ रुक गई है यहाँ पर। और अब हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए मैंने उठाया तो भी कोई बूंदाबांदी इसमें नहीं हो रही और इंक इसमें बच गई है, जबकि टैंक हमारा फुल हो गया है। तो हमने पहले सी को डाल दिया है, वापस हम इसको अलग हटा देते हैं। सी का काम जब हो गया है हम इसको बंद कर देते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से बंद हो रहा है। अब हम लेते हैं एम को, ये हमने उठा दिया इसको, ये मैजेंटा एम ओपन करते हैं। इसको भी हम देखते हैं, देखें गिरेगी तो नहीं नीचे। हाँ, बिल्कुल नहीं गिर रही, ना मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लाते हैं हम, एक बार और देख लें एम एम यहाँ पर लाएं, इसको आराम से ये रख दिया मैंने। इंक इंस्टॉलेशन का इसमें जो सिस्टम दिया है वो बहुत अच्छा है। पहले जो प्रिंटर्स होते थे उसमें थोड़ा सा बूंदाबांदी गिर जाती थी या अपने हाथ भी थोड़े ख़राब हो जाते थे, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और जब कंप्लीट हो जाएगा ये तो अपने आप रुक जाएगा। ये रुक गया, इसको हम निकाल लेते हैं। कोई बूंदाबांदी यहाँ पर नहीं गिर रही है। हमने एम वाली इंक डाल दी है, इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वाई, और ये हमारा वाई, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको आराम से रखा और हल्का सा पुश कर दिया। इसको निकाल लेते हैं हम, ये देखो इसमें भी इतनी इंक बच गई। तो हमें ये झंझट नहीं रहती है कि हमें कितनी इंक डालना है क्या है, जितनी चाहिए उतनी इसके अंदर चली गई। इसको हम बंद कर देते हैं और आगे वाला लेते हैं हम लोग ब्लैक। ये ब्लैक यहाँ पे आप इसको हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पर लिया है, टच करो, छोड़ो। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि हम कोई गलत इंक इनमें नहीं डाल दें। जहाँ तक हो सके एप्सन की इंक ही लेना चाहिए, ओरिजिनल इंक का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे प्रिंटर की एज जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। ये इंक इसमें इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम देखते हैं। मेरे पास में L800, मैंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया तो अभी तक ये अनटच बहुत अच्छा मेरे यहाँ पर काम कर रहा है। इसमें अभी तक 7 साल हो गए मुझे, बहुत सारी प्रिंट मैंने निकाल दी लेकिन अभी तक हेड में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं इसका रख रखाव अच्छा करता हूँ। मेरे सिस्टम पे अटैच है, ये पूरा लगा हुआ है। साथ ही मेरे पास में L200 भी है, ये देखिए आप, ये भी बहुत अच्छी सर्विस इसने मुझे दी।
ये है M200 जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट को निकालने के लिए काम में आता है। हम आराम से घूम घाम के आए और इसको हमने लगा के रखा था, तो इसमें ओवर इंक कभी भी नहीं जाएगी। हम इसको निकाल लेते हैं, कोई बूंदाबांदी नहीं, कोई टिप टिप नहीं, कोई यहाँ पर गंदगी नहीं, और इसमें भी इंक बच गई है, ब्लैक है, दिखाई नहीं देगी। चलो हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में इंक को रिचार्ज करेगा और हमारा प्रिंट निकालने के लिए तैयार हो जाएगा।